ऑलराइट, सो देखते हैं आज की क्लास में यहाँ पे क्या सीखना है. कुछ बच्चे हैं हमारे पास उत्तराखंड से. सो सीम्स लाइक आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया. महेश, हो गया एग्जाम खत्म या अभी भी चल रहा है? चल रहा कब खत्म हो गया एग्जाम? चार सर, 4 तारीख को। तो है. दीपिका, आपका भी सेम स्केड्यूल है? नो सर, मेरे तो हो गए थे. चलो, वेरी गुड. और चलिए, तो एक काम करते हैं, लेट्स हैव लुक एट फ्यू थिंग्स. तो कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी. वी हैव डिस्कस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन. वो हमारे यहाँ पे क्लियर होना चाहिए बिकॉज दैट्स वन ऑफ द हेवियर टॉपिक ऑफ द टॉपिक. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. हम इसके अंदर और भी चीजें यहाँ पे हम देख लेते फटाफट. लेट्स वी हैव लुक एट फ्यू थिंग्स. हमने बोन्स वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था. वी हैव स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ द बोन्स. आप यहाँ पे क्या होते हैं और बोन्स के अंदर हमने यहाँ पे देखा था. वी हैव सीन योर व्हाट आर द हॉर्मोन्स व्हिच विल प्ले द रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बोन्स या रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स. एक ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी. एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज योर ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस आपका क्या होता है वो हमने यहाँ पे देखा था, वो हमने यहाँ पे सीखा था. दीज आर द टू थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड इन द क्लास. एंड उसके अलावा वी हैव जस्ट सीन अ जनरल थिंग्स अबाउट द बोन्स. सो बोन्स के बारे में और भी चीजें आज हम यहाँ पे देखेंगे. The idea is to understand the basic number of bones you have, the names of the bones you have, and along with that, we'll try to understand some disorders. तो कोशिश करेंगे हमारे यहाँ पे कुछ हम disorders यहाँ पे cover कर लें. एक disorder तो आपने देख लिया यहाँ पे, that is going to be myasthenia gravis. वो तो आप यहाँ पे देख चुके हो. इसके अलावा you have like few more disorders which has to be understood in terms of this. तो वो हम यहाँ पे सीख लेंगे एक बार. So पहले मुझे ये बताओ इसके अंदर that हमने यहाँ पे बात किया, we have discussed everything in terms of the muscle contraction and muscle and everything. You tell me quickly that muscle fiber is a muscle cell. एक मसल सेल के अंदर मुझे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती है, हैंड रेस करके बताओ. What are the things I will get? Muscle cell. I cannot see your hand. बताइए तमनप्रीत, बताइए what are the things I will get to see in the muscle cell? Sir, उसके अंदर एक myofibrils होते हैं और सार्कोप्लाज्म होता है और उसकी सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं. ऑलराइट, और क्या होता है सार्कोप्लाज्म के अंदर? सब मायोफिब्रिल, यही तीन चीजें, मतलब यही दो चीजें होती हैं. बताइए बताइए, और कौन बताएगा? बोलिए मोनिका, क्या होता है उसके अलावा? सर, मायोग्लोबिन होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो स्टोर करते हैं कैल्शियम आयन को, एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो जनरेट करता है एटीपी, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन के अंदर कितना ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं? सर, ऑक्सीजन लेवल एक ही होता है बस, मतलब. हाँ, ऑक्सीजन कितने होते हैं? एक मायोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन होंगे? एक ही होगा. मसल को लेके इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए, इतनी चीजें तो आपको मसल के अंदर आपको मिल जाती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग इन टर्म्स ऑफ द मसल. ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, वी नो व्हाट आर स्मूथ मसल, कार्डियो मसल हम लोग जानते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अ टर्म कॉल्ड एज रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर. से मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, व्हाट आर माई रेड मसल्स, व्हाट आर माई व्हाइट मसल्स. So red और red muscle को यहाँ पे हम थोड़ा सा differentiate यहाँ पे हम कर लेते हैं कि इनके अंदर आपको यहाँ पे फर्क क्या मिल जाता है. So let me just come back here and let me tell you few things in terms of these muscles. ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ऐड करो मैं, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर आपके बॉडी में क्या होता है, वॉट आर दिस मसल फाइबर एंड वॉट दे आर नोन फॉर. तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माई रेड मसल फाइबर. आई होप सबको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. So you have red muscles fiber. अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे रेड मसल फाइबर के बारे में या रेड मसल्स अगर जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो ये मसल्स कौन से होते हैं? नाउ व्हाई, सो इन योर बॉडी व्हाट यू गेट टू सी, मसल्स आपके दो टाइप क्या खोलेंगे, रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल्स. ओके, सो इसको हम सिंपल कहते हैं, लेट्स कॉल इट द रेड मसल्स इटसेल्फ, ताकि आपको हमेशा ये चीज कंफ्यूज ना करें. सो वी हैव रेड मसल्स एंड यू हैव व्हाइट मसल्स इनसाइड द बॉडी. अब आपको यहाँ पे याद रखने की, अगर हम रेड मसल्स की यहाँ पे बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द रेड मसल्स में आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए आपको मिलेगा, सो दे विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन.
will have a high amount of मायोग्लोबिन। अब क्योंकि मेरे रेड मसल्स के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए एक बहुत ज्यादा अमाउंट में मायोग्लोबिन, तो इसके वजह से ही इनका कलर रेड होता है। तो ये बात याद रखना कि इनके अंदर आपको मायोग्लोबिन का अमाउंट आपको बहुत ज्यादा मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड दे विल बी रेड इन कलर, वन थिंग। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके जो रेड मसल्स आपके यहाँ पे होंगे, दीज मसल्स विच विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन आर ऑल्सो नोन टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट यहाँ पे काफी ज्यादा मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा होने का मतलब ये भी होता है कि दिस मसल्स मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल द टाइम या दे मस्ट बी यूजिंग देमसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये अपने आप को काफी ज्यादा इस्तेमाल करती होंगी, ज्यादा लंबे टाइम के लिए यूज करती होंगी, इसलिए इनके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको ज्यादा मिल जाता है। अगर एक मसल ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है देन सेंस करती है हर तरीके से ये बात कि उसके अंदर मायोग्लोबिन भी ज्यादा होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट भी वहां पे ज्यादा होगा। ओके, बट दे टेंड टू हैव लेस अमाउंट ऑफ सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे टेंड टू हैव लेस अमाउंट ऑफ SER, सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अंदर आपको देखने के लिए जो मिलता है वो आपको यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा नहीं होता। यू गेट टू सी द अमाउंट ऑफ SER इज गोइंग टू बी लेस। अब ये जो मसल्स आपके यहाँ पे हम जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, सो रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे आपका स्लो रहेगा। सो दे आर नॉट लाइक रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स आपके, ये नहीं होती जैसे आपके आईलिड की मसल्स होती है, आई बॉल्स की आपकी मसल होती है, वैसा नहीं होता ये। दीज आर द मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट एट अ स्लोअर रेट, सो रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज गोइंग टू बी स्लोअर। सो रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन और विल हैव अ स्लोअर रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन विल बी सीन इन दिस मसल्स, विल हैव अ स्लोअर रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। अब आप इस बात को वापस से ध्यान से समझो, कोई एक ऐसी मसल है जो आपकी स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, राइट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। दूसरी चीज, ये एक ऐसी मसल है जिसको बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए बिकॉज इट विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल द टाइम, राइट, और इट विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, और यहाँ पे आपका मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा होता है, और उस मायोग्लोबिन के अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ये जो मेरी मसल यहाँ पे होती है दे आर गोइंग टू बी रेड इन कलर। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ऐसी मसल जो आपको मिल सकती है, दिस बैन बी वन ऑफ द मसल लाइक योर मसल्स ऑफ योर बैक, आपकी जो स्पाइन के आसपास की जो मसल्स होती है, आपके जो बैक की जो मसल्स होती है, दे कैन बी द एग्जांपल ऑफ योर रेड मसल्स। सो एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक इज वन ऑफ द एग्जांपल। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप सब लोग बैक के लेक्चर देख रहे हो, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोग बैक के लेक्चर यहाँ पे देख रहे हो, सो यू विल बी हैविंग मसल जो भी आपकी काम कर रही है। सो द मसल्स ऑफ योर बैक इज वर्किंग राइट नाउ, और जब वो आपके वहाँ पे काम कर रही है लाइक इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग, सो कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ उसने आपको, आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करी, इसलिए तो आप यहाँ पे बैठ पा रहे हो, उसी तरीके से बैठ के आप लेक्चर देख पा रहे हो। सो दैट इज वाई दीज आर द मसल्स, ये आपकी थ्रू आउट द डे काम करती है। जब तक आप सीधे खड़े हुए सीधे बैठे हुए हो तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं सो वॉट इज हैपनिंग, वहां पे आपका रेगुलरली आपका ATP आपको चाहिए होगा, एंड दैट्स इज वाई यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन इज बीन सीन ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। अब इसके एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, द एग्जाम्पल जो है एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। अब एक और बात इसमें याद रखना कि रेड मसल जो आपके होते हैं ना, जो लाइक स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अभी देखो ना आपकी मसल बैक की मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, बट आपको कोई उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, ऐसा नहीं होता कि आप बैठे बैठे एकदम से लाइक आप ऐसे गिर जाते हो कि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, वैसा नहीं हो रहा होता। सो जो आपके रेड मसल्स होते हैं ना, दे टेंड टू शो एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो आपके रेड मसल्स आपके यहाँ पे होते हैं ना, दे विल ऑलवेज शो द एरोबिक रेस्पिरेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक बात आप याद रखना कि आपको ATP ज्यादा अमाउंट में कब मिल सकता है, वेन यू शो द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपके जो रेड मसल्स होते हैं दे आर गोइंग टू शो द एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा। और आप ये बात भी याद रखना कि अगर कोई मसल मेरी एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रही है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है क्या, व्हाट डू नीड टू हैव टू कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, राइट, आपको चाहिए होता है ऑक्सीजन। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन की आपको इस एरिया में कमी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी आपको ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी, आपको यहाँ पे बिकॉज यू हैव योर हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन इन दिस, राइट, बिल्कुल से, बिकॉज आपके पास यहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट में आपके पास मायोग्लोबिन है, देन यू कैन एक्चुअली कैरी आउट द योर एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखना रेड मसल्स विल ऑलवेज कैरी आउट योर एरोबिक रेस्पिरेशन।
ये बात आप सबने यहाँ पे रखनी है याद. दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर, राइट. तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाइट और रेड मसल में से कौन करता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी एज सिंपल एज योर कि रेड मसल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखना है एक्सटेंशन मसल ऑफ द बैक इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, क्या जो बैक की मसल्स हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग राइट नाउ, राइट. दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, उनका रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन फास्ट नहीं है, स्लो है, बट दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड दे आर द एग्जाम्पल ऑफ माई रेड मसल्स. देन you have second category over here and just wait a minute, someone has a question. All right, theek hai. Then you have something like your white muscles. Red muscles हमने आप देख लिया. Now you will be having something like your white muscles. और white muscles की अगर हम अभी बात करें, अच्छा मैं हिमाचल के बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आप वो पुराने वाले लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो ना क्लास, तो उसमें दिक्कत ये रहती है कि आपका अटेंडेंस फिर आएगा नहीं. यू कैन अटेंड द क्लास, दैट इज नॉट अ बिग थिंग, लाइक अटेंडेंस का इतना कंसर्न वैसे होगा नहीं आपको कभी भी. बट ये बात याद रखना, इफ यू ज्वाइन फ्रॉम, ट्राई टू ज्वाइन फ्रॉम द रेगुलर लिंक. अगर रेगुलर लिंक से नहीं ज्वाइन करवाते देन यू हैव द जीमीट के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो, विच यू हैव डन, राइट. बट ये चीज का ध्यान रखना, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम दैट लिंक ऑल द टाइम, क्योंकि वो फिर आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अटेंडेंस आपका आएगा नहीं डैशबोर्ड पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय व्हाइट मसल्स ओवर हियर. जब हम व्हाइट मसल्स की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि इसके अंदर इसका कलर व्हाइट इसलिए है या पेल व्हाइट आपके यहाँ पे इसलिए, बिकॉज यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन. सो यू विल हैव ओवर हियर, यू विल ऑलवेज फाइंड लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन. This amount of myoglobin will be seen over there. हाँ, कोई एरर तो नहीं आ रहा आपको यहाँ पे देखने में? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही स्क्रीन यहाँ पे? दिख रही है. तो लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन इज समथिंग विल फाइंड इन दिस. मायोग्लोबिन का अमाउंट आप यहाँ पे कम हो जाता है. Second is आपको याद रखनी है that you will also have a less amount of mitochondria. So you'll have a also less amount of mitochondria. ये आपके यहाँ पे कम होगा, right? But generally you will get to see in this you will have a high amount of your SCR. You'll have a high amount of स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मिलेगा. तो बिल्कुल अपोजिट है, इट इज गोइंग टू बी वेरी और आई वुड से कंप्लीटली अपोजिट टू योर रेड मसल्स. मायोग्लोबिन का अमाउंट कम है इसलिए व्हाइट कलर इनका यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अमाउंट यहाँ पे कम रहेगा आपको यहाँ पे, एंड यू विल ऑल्सो हैव अ हाई अमाउंट ऑफ एससीआर विल बी सीन इन दिस. अब यहाँ पे रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन आपका यहाँ पे होता है फास्ट, सो यू विल गेट टू सी ऑलवेज फास्टर रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन. फास्टर रेट ऑफ contraction, तो faster rate of contraction आपको यहाँ पे होते हुए आप यहाँ पे दिख जाएगा. And one thing you have to understand कि आपके वो muscles है जो काफी फटाफट contract करती है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपका myoglobin का amount यहाँ पे कम है. अगर मेरा यहाँ पे myoglobin का amount यहाँ पे कम होता है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको oxygen बहुत ज्यादा तो आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे. एंड when I say that you won't have ample amount of oxygen over here, then I can clearly say कि यहाँ पे जो मेरा रेस्पिरेशन यहाँ पे मेरा होगा, दैट रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन. विल फाइंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको यहाँ पे होते मिलेगा. ये चीज आपको भूलनी नहीं है, दैट द रेस्पिरेशन यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस. यहाँ पे आपका होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन एंड यू ऑल्सो हैव अ लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो मेक सेंस, आपका यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन आप करा नहीं पाओगे. So, ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार. एंड द मसल्स ऑफ द आईलिड आर द बेस्ट एग्जांपल. आईबॉल्स, मसल्स ऑफ द आईबॉल, मसल्स ऑफ आईबॉल. हाँ जी, तो अनप्रीत बताइए. सर, आपने क्या रीजन बताया कि यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन आप देखो कितना कम है. अगर आपका मायोग्लोबिन का अमाउंट अगर आपके यहाँ पे कम होगा, दैट इटसेल्फ मींस कि आप ऑक्सीजन सप्लाई लंबे टाइम के लिए आप कर नहीं सकते. जितना ज्यादा मायोग्लोबिन उतना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई. अब यहाँ पे अगर मेरा ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे लंबे टाइम के लिए यहाँ पे हो नहीं सकता, देन इटसेल्फ इट मींस दैट
it will carry out my anaerobic respiration. So you find this happening in this. ठीक है, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया का भी अमाउंट यहाँ पे कम है. सो एवरीथिंग इज अलाइनिंग विद कि यहाँ पे आपका होगा एनर्बिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. रेटिना मसल्स ऑफ द आईबॉल आर द एग्जांपल्स यू विल गेट टू सी इन योर व्हाइट मसल्स के अंदर. सो व्हाइट मसल्स, रेड मसल्स आपको याद रखना है. इनको डिटेल में स्टडी किया गया था. लाइक बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर दोनों टाइप के मसल आपको मिलते हैं, बल्कि मैं कहूंगा ऑल द हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स विल हैव व्हाइट एंड रेड मसल, बोथ द थिंग्स विल बी सीन. बर्ड्स के अंदर इसको काफी डिटेल में स्टडी किया गया था. बर्ड्स में डिटेल में स्टडी इसलिए भी किया गया था बिकॉज बर्ड शो करते हैं माइग्रेशन. अगर आप माइग्रेशन की अगर आप बात करते हो, आप सोचो इस बात को कि कई बार बर्ड्स कई रातों तक वो उड़ते रहते हैं. दे जस्ट कीप ऑन फ्लाइंग राइट विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी कंसर्न्स. वो कई सारे रातों तक अपना उड़ते रहते हैं हवा के अंदर. तो आप ये सोचो कि वहां पे कुछ तो बात होगी ना, लाइक कुछ तो मसल्स होंगे विच मस्ट बी हेल्पिंग इन कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल द टाइम. सो तब उन्होंने बर्ड्स के, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स को जब उन्होंने वहां पे स्टडी किया था, दैट्स व्हेन दे गेट टू रियलाइज कि इट इज एक्चुअली योर व्हाइट मसल एंड रेड मसल, यू विल गेट टू सी इन देम. हाँ जी महेश बताइए. सर जैसे हमको किसी ने पूछा कि मसल को हम सर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और रेड मसल और व्हाइट मसल कहां पर मिलेंगे? हाँ ओके, सो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेड मसल और व्हाइट मसल्स क्या होती है, तो आपको बताया कि रेड मसल एंड व्हाइट मसल आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मसल यू फाइंड इन द बॉडी एंड दे आर सीन थ्रू आउट द बॉडी. सो ऐसा नहीं कि कुछ एरिया में व्हाइट मसल है, कुछ एरिया में रेड, वो पूरे बॉडी के अंदर आपको रेड एंड व्हाइट मसल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहां पे मिल जाता है. कुछ एरियाज आपके होते हैं बेटा जॉइंट के अंदर आपका कॉन्ट्रेक्शन आपका काफी स्लो होगा, मसल का कॉन्ट्रेक्शन आपका भी स्लो होता है, एंड दैट स्लो कॉन्ट्रेक्शन इज गुड इनफ फॉर योर नॉर्मल फंक्शनिंग. जैसे मैंने आपको बताया योर मसल्स ऑफ योर बैक, सिमिलरली विल फाइंड यू हैव योर मसल्स इन योर इंटेस्टाइन एज वेल राइट, वहां पे आपको मिल जाएंगे आपके मसल्स. These muscles are the muscles which are my like red muscles, जिनके अंदर contraction काफी slow rate पे होता है. Even though contraction आपके यहाँ पे slow rate पे आपके यहाँ पे हो रहा है, याद रखना इनका contraction throughout the day या काफी लंबे time के लिए चल सकता है. Okay? On the other hand, आपके white muscles वो होते हैं जो काफी जल्दी contract करते हैं. So they make the effort or they make the things done in a very short duration of time. Right? तो काफी जल्दी जल्दी आपके contract करते हैं. That is why we say they have a fast rate of contraction. अब अगर कोई मसल फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, दैट ऑल्सो मीन्स कि जल्दी आपका ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम कर रहा होगा. अगर ये जल्दी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है और आपके पास वैसे ही इस मसल के अंदर मायोग्लोबिन कम है, देन दैट मीन्स दिस मसल विल शो माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो आपको ऐसा बताना है कि मसल्स आपके दो टाइप का आपको मिल जाते हैं, रेड एंड व्हाइट मसल्स. रेड मसल्स काफी स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड व्हाइट मसल्स शो अ फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन. एंड देन यू कैन रिमेंबर द अदर पॉइंट्स ओवर कि रेड मसल्स को रेड मसल्स क्यों कहते हो आप, because they will have a myoglobin within themselves. White muscle ko white muscle hum isliye bolenge because they don't have enough amount of myoglobin. Hota hai lekin kam hota hai. To ye cheez aapko yahan pe add, this is the basic difference we'll find in them. Example aap ye yaad rakhna, extensor muscle of the back and muscles of the eyeball, right? Aur uske alawa even in agar aap arms mein dekhoge to arms ke andar bhi we will have white and red muscles aapko pe mil jate hain, which ultimately use for your normal functioning of the body. Theek hai, इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय रेड एंड व्हाइट मसल्स. क्या इतनी बात है आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. नाउ चलिए बात हमने यहाँ पे देख ली. सो इसके ऊपर बेस कभी कोई सवाल आएगा ना घुमा फिरा के, तो यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन. अब एक और चीज हम यहाँ पे, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे समझते हैं. सी, ये थोड़ा ध्यान से सुनना. You can find a statement based question coming from this. Now, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, it is a mixture of what we are doing right now in the this chapter, and it is a small component which also comes from your chapter of your respiration in plants. तो वो उस chapter का भी एक थोड़ा सा component आपको यहाँ पे मिलता है. अब आप सोचो यहाँ पे कि आपकी muscles हैं, समझो आप exercise कर रहे हो, right? Somebody you are doing your exercise over here. तो exercise जो आप कर रहे हो, when you do the muscular contraction, when you do the muscle contraction. समझो तुमने एक्सरसाइज करना वहां पे चालू किया. अब जब तुमने एक्सरसाइज करना चालू किया, जब आपने मसल कॉन्ट्रेक्शन अपना वहां पे चालू किया, देन यू विल बी यूजिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. जो भी आपके मसल के अंदर ऑक्सीजन होंगे वो आप यूज कर लोगे, राइट? सो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली यू विल हैव द एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो इनिशियली तो आपकी मसल्स, समझो आपने एक्सरसाइज करना अभी भी चालू किया,
तब तो क्या होगा कि आप आराम से करोगे ना, पहले दो तीन सेट तो आप आराम से लगा लोगे वहां पे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं. सो इनिशियली यू विल हैव द एरोबिक रेस्पिरेशन. अब उसके बाद क्या होगा कि आपने दो तीन सेट लगा लिए, उसके बाद भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो बिना रेस्ट लिए, देन क्या होता है लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, द मसल्स विल अंडरटेक द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप वहां पे देखोगे, देन व्हाट विल हैपन, नाउ मसल्स कैन आल्सो अंडरटेक द, मसल्स विल टेक द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इसलिए तो हम ज्यादा लंबे टाइम के लिए भाग नहीं पाते हैं. अगर आपको मैं बोलूं कि भागो, राइट, बट 100 150 मीटर के बाद तुम रुक जाओगे, थक जाओगे, राइट. व्हाई यू आर एग्जॉस्टेड, बिकॉज ऑल द ऑक्सीजन इन द मसल हैज बीन कंज्यूम्ड. अब जैसे ही आपके बॉडी का सारा ऑक्सीजन अगर आप यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, तो अब आपके मसल्स कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, या मसल जो अपना रेस्पिरेशन यहाँ पे करेंगे वो कैसा होगा, एनएरोबिक. सिंपल सी बात है, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपका ऑक्सीजन की आपको जरूरत नहीं होती. तो एक सर्टन लिमिट के बाद, एक सर्टन लिमिट के बाद आपकी जो मसल कॉन्ट्रेक्शन कर रहे होंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ एनएरोबिक कॉन्ट्रेक्शन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो आप कर रहे होंगे. एरोबिक तब तक कर रहे थे जब तक आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट था. एंड नाउ वी विल स्विच बैक टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज ऑक्सीजन हैज गॉट कंज्यूम, O2 आपके यहाँ पे एबसेंट है. अब मुझे एक बात बताओ, जब आप करते हो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कितना मिलता है ATP आपको? 2. राइट, 2, दो ही मिलते हैं आपको ATP. यू ओनली गेट टू सी 2 ATPs ओवर देयर. और जब मैं करता हूँ मेरा यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो टाइम पे मुझे यहाँ पे मिलेंगे, मेरे यहाँ पे कई ज्यादा ATPs मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं. तो आप सोचो इस बात को कि अगर मैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, तो क्या ही मतलब कितना ही मेरा मसल कॉन्ट्रेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना ज्यादा मेरा मसल कॉन्ट्रेक्शन. इसलिए तो कहा जाता है कि जब आप पुशअप्स लगाते हो, पुलअप्स लगाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको ब्रेक लेना होता है. यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स, 1 मिनट का ब्रेक लेते हो, एंड देन यू स्टार्ट द अनदर सेट. ऐसा आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप रीगेन कर सको अपने ऑक्सीजन को ब्रीथ करके, एंड यू कैन यूज देम फॉर योर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. अब ये बात का आप यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज वन थिंग यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद. तो जब आप यहाँ पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आप कर रहे हो, सो O2 तो आपके यहाँ पे है नहीं, ATP आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं. अगर आपको ATP यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है आपकी मसल बहुत लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी. मतलब 2 ही मिलेगा ना आपको ATP, 2 ATP से आप कितना ही मसल कॉन्ट्रेक्शन आप कर पाओगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे, राइट. लेकिन आपको यहाँ पे ये बात याद नहीं रखनी, आपको याद ये रखना है कि अगर आपके मसल्स करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपके मसल्स के अंदर कोई एक चीज बनेगी, और वो एक चीज आपके यहाँ पे क्या होती है, वेरी गुड, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माई लैक्टिक एसिड. बढ़िया, सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर लैक्टिक एसिड. तो ये बात सब लोग दिमाग में बिठा लो कि अगर हम मसल्स को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अगर माई मसल अंडरगो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर लैक्टिक एसिड. याद है मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी अबाउट द लैक्टिक एसिड एंड द क्रोकोडाइल, किसी को याद है वो स्टोरी क्या थी, स्टोरी ऑफ लैक्टिक एसिड एंड अ क्रोकोडाइल? No one knows. कुछ याद नहीं आ रहा, फ्लैशबैक में जाके याद करो. नो फ्लैशबैक. ओके, सी लैक्टिक एसिड के साथ होता क्या है ना, कि लैक्टिक एसिड जो आपके यहाँ पे होगा, इट इज समथिंग विल बी, इट इज समथिंग विच विल स्टार्ट एक्युमुलेटिंग इन द मसल्स. ओके, अब क्रोकोडाइल के साथ क्या होता है ना, कि क्रोकोडाइल का भी जब आप केज के बाहर, आई वुड से कि समझो अगर आप पानी में क्रोकोडाइल है, अगर आप उसे खींच के अगर आप बाहर निकाल लो, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि उस एनिमल को आप जल्दी से बाहर निकाल के पकड़ो उसे और आप ट्रांसफर कर दो. आप नहीं चाहते कि वो एनिमल बाहर है और वो वहां पे झटपटाए और लाइक स्ट्रेस ले और ज्यादा मसल का इस्तेमाल करें, तो आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? अगर आपने किसी क्रोकोडाइल को बाहर निकाला और अगर उसने बहुत ज्यादा उसने मूवमेंट किया, बहुत ज्यादा लाइक वो कोशिश कराया आपके रोप से तोड़ के बाहर निकलने की, अगर उसने ज्यादा मसल्स का इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाएगा. ऑब्वियसली बात है, इट विल ऑल्सो अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म्ड. नाउ लैक्टिक एसिड अगर क्रोकोडाइल की बॉडी में एक लेवल से ज्यादा जाता है, देन इट कैन गो एंड स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. अगर वो एक लेवल से ज्यादा जाता है, देन दैट लैक्टिक एसिड कैन एक्चुअली गो एंड स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. सो दैट इज वाई जब आप किसी जू में काम करते हो या किसी रेप्टाइल पार्क में काम करते हो, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप क्रोकोडाइल को बाहर निकालो, right, you have to ensure that the animal should be restrained quickly and should be transferred to other location in a short duration of time. Because if its lactic acid ban gaya zyada amount mein, then it can lead to death of the animal.
तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, बट हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बना, तो इमेजिन करो कि मेरा लैक्टिक एसिड यहाँ पे बन चुका है और ये लैक्टिक एसिड मेरा यहाँ पे बना है मेरे मसल्स के अंदर। नाउ दिस लैक्टिक एसिड इज बीन फॉर्म्ड इनसाइड माय मसल्स। अब जैसे ही मेरा लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर बन चुका है, अब यहाँ पे क्या होगा? दिस लैक्टिक एसिड विल ट्रेवल फ्रॉम द मसल्स टूवर्ड्स द लिवर। अब यहां से मेरा ये लैक्टिक एसिड जाएगा एंड विल गो टूवर्ड्स द लिवर। ठीक है, तो जितना मेरा यहाँ पे लैक्टिक एसिड था मेरा लिवर के पास यहाँ पे चला गया। अब लिवर के अंदर जाने के बाद ये जो लैक्टिक एसिड आपके यहाँ पे होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे एज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि लैक्टिक एसिड जब मेरे यहाँ पे पहुंच गया, दिस लैक्टिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दिस लैक्टिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और जब मेरे यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो जब एक्सेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं तो आप उसे स्टोर कर सकते हो इन एन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर एक्सेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आप यहाँ पे बन रहे हो ना, बहुत ज्यादा अगर बन रहे हो, देन यू कैन स्टोर देम इन अ फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। ये बात भी आप जानते हो कि आपके लैक्टिक या आपके ग्लूकोज को यू कैन एक्चुअली स्टोर देम। तो अगर मेरे यहाँ पे ग्लूकोज बना, देन यू कैन एक्चुअली स्टोर देम इन अ फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, देम एज ग्लाइकोजन। और उसके साथ साथ जो उसके अलावा जो भी आपका एक्सेस में नहीं है ग्लूकोज, उसको हम वापस भेजेंगे मसल्स के अंदर। We will again send those glucose molecule into the muscles. और जब मैं वापस उन्हें मसल्स की तरफ भेज रहा हूँ, तो मसल्स की तरफ उन्हें मैं इसलिए भेज रहा हूँ ताकि इन ग्लूकोज को इस्तेमाल करके मैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा सकूं। इन ग्लूकोज को इस्तेमाल करके मैं अपना एन एरोबिक रेस्पिरेशन करा के मैं अपने मसल्स को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करा सकूं। तो ये बात आपको याद रखनी कि आपके बॉडी के अंदर, अगर आपके बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, अगर आपके बॉडी के अंदर किसी रीजन से अगर आपका लैक्टिक एसिड बन भी जाता है, देन दैट लैक्टिक एसिड इज बीन सेंट टूवर्ड्स द लिवर। लिवर पे जाके उस लैक्टिक एसिड को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हमारे ग्लूकोज के अंदर। अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हुआ तो उस ग्लूकोज को मैं स्टोर करूंगा इन अ फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। याद रखना, ग्लाइकोजन को हम स्टोर करते हैं दो जगहों पे, एक होता है आपके यहाँ पे लिवर, एक होता है आपके यहाँ पे मसल, राइट। और उसके अलावा जो भी फ्री मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पे ग्लूकोज के होंगे, दोस फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल उनको मैं भेजूंगा वापस मसल के अंदर, और उन्हीं ग्लूकोज का इस्तेमाल करके मैं वापस कर सकता हूँ मेरे यहाँ पे अपना मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये जो साइकिल मैंने आपको बताया कि लैक्टिक एसिड मेरे यहाँ पे बना, गया लिवर के पास, वापस आया, दिस साइकिल ओवर हियर इज कॉल्ड माय कोरीज साइकिल। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कोरीज साइकिल। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। और ये इवेंट आपको एक रेप्टाइल लाइक जैसे क्रोकोडाइल जैसे रेप्टाइल के अंदर आपको ये होते हुए आपको नहीं मिलता। You don't find there is a process where you can convert the lactic acid into glucose. यहाँ पे अगर lactic acid हद से ज़्यादा बन गया, it will go and stop the functioning of the your particular heart. इतनी बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद रख लो, अगर आप इतना याद रख सकते हो तो, lactic acid is also one of the reason for the fatigue. Lactic acid भी आपका एक reason है, आपका बन सकता है fatigue. अगर बहुत ज़्यादा अगर lactic acid बन रहा है आपके body के अंदर, that can lead to a fatigue of the skeletal muscle. और आपके स्केलेटल मसल आपके उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जैसे उन्हें काम करना चाहिए था। ठीक है, तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद इन टर्म्स ऑफ कोरीज साइकिल। तो क्या कोरीज साइकिल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय कोरीज साइकिल एंड दिस इज व्हाट यू रिमेम्बर इन टर्म्स ऑफ योर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो इतनी चीजें आपने यहाँ पे रखनी है यहाँ पे याद। तो अब मसल्स को लेके आपको रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर आपको यहाँ पे याद रखना है। You have to know everything in terms of the muscular contraction, and you also have to know everything in terms of your. These are the two main things. Other than that, you have a sliding filament theory, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये सब तो हमारा bone वाला part यहाँ पे आ जाएगा, so this is something which you have to be remembering separately. ठीक है? Now let's come back over here. अब हमारे यहाँ पे हम bone वाली चीज़ को हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं। कुछ चीज़ हमने यहाँ पे देख ली थी that you have 206 bones. आपके birth के time पे you will have more than 300 bones, but बाद में ये आपकी हो जाती है 206. We have seen over here, we have talked about your bone marrow. Bone marrow is going to be your, like, will be present in the femur and the humerus bone. Aur yahan se hi aapke red blood cells, white blood cells, all the kind of blood cells will be formed over here. Right? Ye sab hum yahan pe dekh chuke hain. Now, this is where we have to start. So, let's start with my exoskeleton. So, jab main exoskeleton ki yahan pe baat karta hu, isme aapke total, aapki bones yahan pe kitni aa rahi hai? Aapki aa rahi hai 80. So, it is overall, it is made up of my 80 bones. It constitutes the middle axis and it includes the following region. इसमें आपके यहाँ पे आ रहा है आपका skull,
अब जब हम यहाँ पे स्कल की बात करें तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर देना. स्कल की जब हम बात करते हैं तो विल हैव समथिंग लाइक माय फेशियल बोन्स. And you will have something like your cranial bones. So facial bones and cranial bones आपको यहाँ पे रखने. Hyoid is the only bone जिसके ऊपर आपकी tongue attached होती है. ये आपकी वो bone है आपके यहाँ पे which is there in the neck region और यहाँ इसके ऊपर ही आपकी tongue आपकी placed होती है. So याद रखना hyoid is the bone on which you will find your tongue is getting placed. Okay? Then you have ऑडिटरी ऑसिकल्स. ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर आपके आते हैं यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट बोन्स. यू विल हैव योर बोन्स लाइक योर मेलस, इनकस एंड स्टेप्स. सो मेलस, इनकस एंड स्टेप्स आर द थ्री बोन्स यू विल फाइंडिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ माय ईयर ऑसिकल्स. एक कान आपकी तीन बोन्स होती है तो बेसिकली दो कान मिला के आपके छह बोन्स आपके यहाँ पे हो जाएगी. Then you have the vertebral columns. You have a 26 vertebra over here in your vertebral column. Ribs आपके पास कितने होते हैं? How many ribs you have? 12. Right. So ribs आपके यहाँ पे जो होंगे, they are going to be my 12 pairs. Right. They are going to be my 12 pairs. So 12 pairs of ribs, I will get to see. Okay. Then you have a sternum as well. स्टर्नम जो आपका यहाँ पे होता है, स्टर्नम इज गोइंग टू बी अ सिंगल बोन. ये आपको यहाँ पे सिंगल आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे स्टर्नम. एंड दीज आर द बोन्स व्हिच यू विल फाइंड बिकम पार्ट ऑफ माय एक्सोस्केलेटन. चलो एक एक करके मैं आप समझते हैं. स्कल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्कल विल इंक्लूड टू थिंग्स. विल हैव द क्रेनियम बोन्स एंड विल हैव फेशियल बोन्स. द फंक्शन ऑफ क्रेनियम इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, राइट. अब क्रेनियल बोन्स में आपको याद रखना है, या क्रेनियल बोन्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट यू हैव एट बोन्स इन द क्रेनियल बोन्स. इट इज फॉर्म्ड ऑफ द एट प्लेट शेप्ड बोन्स joined together at a meeting point called suture. Picture में अगर आप यहाँ पे देखोगे, so ये जो आपका part है, this part here, it is called as my suture. This is called as suture. तो आपके cranial bones आपके यहाँ पे, and they are all connected to each other with the help of the suture के through. ये एक दूसरे के साथ आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट. नाउ आठ होते आपके यहाँ पे क्रेनियल बोन्स. लेट मी ट्राई टू शो यू देयर. सी, चार आपके यहाँ देख रहे हैं. वो ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पराइटल, फ्रंटल, ये तो आपको यहाँ पे दिख रहे. दीज आर द फोर बोन्स यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर देयर. इसके अलावा और दो बोन याद रखना विच आर अ पार्ट ऑफ माई क्रेनियल बोन्स. बताओ कौन सी होती है वो, हैंड रेज करके. इन चारों के अलावा और कौन सी दो मेरे यहाँ पे बोन है which actually become a part of my cranial bones. बताइए अक्षरा. सर, पैराइटल बोन और वो तो है क्या? पैराइटल तो है. देखो सुनो, पैराइटल है, फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल, ये चार तो है ही. इसके अलावा और कौन सी दो आती है क्रेनियल के अंदर? स्फेनॉइड और एथमॉइड. राइट, बहुत बढ़िया, स्फेनॉइड और एथमॉइड. अच्छा, आप लोगों को वैसे याद हो ना, अब में से कुछ लोग अगर ब्रिज कोर्स में थे, ब्रिज कोर्स में भी हमने ये चैप्टर किया था, अगर आपको याद हो तो. सम ऑफ यू? नो सर, नहीं किया था. यस सर, ये नहीं किया. अरे ब्रिज था. यू हैवंट डन दिस चैप्टर इन ब्रिज कोर्स? नो सर. अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है. ऑलराइट, सो यू हैव सूचर. सो बेसिकली सूचर आर द कनेक्शन बिटवीन दिस पर्टिकुलर क्रेनियल बोन्स ओवर हियर. पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड दो बोन आप यहाँ पे रखोगे. आप यहाँ पे यू विल हैव अ स्फेनॉइड एंड यू विल हैव योर इथमॉइड. तो ये सारे मेरे यहाँ पे आएंगे एज अ क्रेनियल बोन. दीज आर ऑल माय क्रेनियल बोन्स व्हिच यू हैव टू नो. इसके अलावा जो भी बाकी बोन्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दे आर ऑल माय फेशियल बोन्स. दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ माय फेशियल बोन्स. चलो, नाउ यू हैव अलॉन्ग विद द क्रेनियम देयर आर रिमेनिंग 14 बोन्स फ्रॉम फेशियल बोन. बाकी आपके 14 बोन्स आपके यहाँ पे वो फेशियल बोन्स आपके होते हैं, राइट. मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन इन द ह्यूमन स्कल. याद रखना, आपके जो लोअर जो होता है ना, उसको हम कहते हैं यहाँ पे मैंडिबल. और यही आपका एकलौता आपका बोन है जिसको आप मूव कर सकते हो. आपका अपर जॉ मूव नहीं कर सकता, बाकी कोई भी आपके बोन्स मूव नहीं कर सकते. ओनली योर मैंडिबल इज द बोन विच इज मूवेबल. हायोइड, हायोइड इज अ यू शेप बोन लोकेट एट द एंटीरियर नेक. इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द स्कल एंड द पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन, राइट. ये बीच में आ रहा होता है आपका, बिटवीन द स्कल एंड द पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन के बीच में आपके आ रहा होता है.
द हायर बोन एड्स टंग मूवमेंट, मैंने आप जिसका बोला यहाँ पे कि टंग को सपोर्ट करता है आपको यहाँ पे, सो इट इज गोइंग टू हेल्प इन द टंग मूवमेंट एंड स्वैलविंग ऑफ द फूड. इट हैज नो आर्टिकुलेशन विद एनी अदर बोन, इसका कोई अदर जगह पे आपका आर्टिकुलेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता. सो हायर बी बोन आप यहाँ पे रखना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई फेशियल बोन. नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्टरी बोन्स को लेके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये आप दिस मेलस इनकस टेप्स, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा होता है? स्टेप्स. ऑलवेज बिल्कुल सही, स्टेप्स आपके होंगे इसमें, इसमें आपके सबसे छोटे यहाँ पे. दे आर ऑल पार्ट ऑफ माय मिडल ईयर, राइट. द फंक्शन ऑफ ऑसिकल्स आर टू ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम एयर इनटू द कॉक्लिया. सो ये भी आपके आएंगे यहाँ पे, तीन तीन बोन्स, तीन यहाँ पे, तीन वहां पे. विल कम ओवर हियर. रिब्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिब्स को हम वापस से आगे देखेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे देख लो. द रिब्स कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स इन 12 पेयर्स विच फॉर्म द प्रोटेक्टिव केज इन द थोरैक्स. अगर मैं आपसे पूछूं कि रिब्स मेरे कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, हैंड रेज करके बताओ कौन से ऑर्गन को मेरे यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा. ऑलरेडी जान भी बताइए सर, हार्ट, लंग्स और डायफ्राम. डायफ्राम तो मेन ऑर्गन थोड़ी है हमारा, और कुछ बताओ. हार्ट, लंग्स एंड बताइए जसनूर. हार्ट, लंग्स एंड बताइए मोनिका. हार्ट, लंग्स एंड व्हाट? लीवर. पूरा क्या करता है लीवर को? क्या चीज? नो सर. पूरा कवर करता है लिवर को वो? नो सर. और कुछ लिवर के अलावा? किडनी. किडनी भी कवर हो जाएगी. अब याद रखना लिवर जो आपको होता है ना वो पार्शली कवर होता है, ये बात शायद मैंने आपको बताई नहीं है क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं, बट लिवर इज गोइंग टू बी पार्शली कवर्ड. अगर आपने कभी बॉक्सिंग देखी होगी ना, तो बॉक्सिंग में पता है वो लोग पेट में भी मारते हैं, और पेट में भी अगर तुमने कभी ध्यान से देखा होगा तो पेट में वैसे लाइक ऐसे पेट में बीच में नहीं मार रहे होते, वो लोग साइड में से मार रहे होते हैं. कभी नोटिस किया आपने बॉक्सिंग अगर कभी देखा होता आपने? यस सर. यस सर. सर पे तो मार रहे होते हैं घुमा घुमा के, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू हिट द बॉडी, एंड बॉडी भी वो स्ट्रेट बॉडी पे नहीं मार रहे होते, दे आर ट्राइंग टू लाइक हिट द बॉडी फ्रॉम द साइड. और अगर उसको मैं बहुत प्रिसाइसली बताऊं तो दे आर ट्राइंग टू हिट योर लिवर ओनली, वो लिवर को यहाँ पे टच करने की वहां पे कोशिश कर रहे होते हैं. क्योंकि लिवर होता क्या ना, लिवर आपका पार्शली बाहर होता है. अगर आपका सही से किक लग गया लिवर के ऊपर, अगर सही से अगर आपका वहां पे लग गया, देन यू विल फाइंड द पर्सन विल बिकम हॉरिजॉन्टल. वो तुरंत आदमी आपका वहां पे हॉरिजॉन्टल आपका वहां पे हो जाता है, राइट. खड़ा खड़ा वाला आदमी एकदम से आके वहां पे आपका लेट जाएगा. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर देयर, ठीक है. सो लिवर इज पार्शली कवर्ड, नॉट कंप्लीटली. ओके, सो ये बात याद रखना, दीज आर द ऑर्गन्स व्हिच हैव बीन कवर्ड बाय माय रिब केज. ना हार्ट भी कवर हो रहा है आपका यहाँ पे, लंग्स भी हो रहे हैं आपके यहाँ पे, किडनी भी हो रही है, एंड लिवर इज पार्शली कवर्ड, राइट. द रिब प्रोटेक्ट द थोरैसिक इंटरनल ऑर्गन्स, दे आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद द वर्टेब्रल कॉलम एंड टर्मिनेट्स एंटीरियरली विद द कार्टिलेज. पीछे के साइड पे रिब केज मेरा कनेक्ट करेगा वर्टेब्रल कॉलम के साथ, और आगे तो वो कनेक्टेड है आपका यहाँ पे कार्टिलेज के साथ. Now, then you have the sternum. Sternum is a breast bone and long bone placed at the central part of the chest. Chest के बिल्कुल बीच में sternum मिलता है यहाँ पे. अगर आपको एक cardiac surgery करते हो तो आपको sternum को open करना पड़ता है. Okay? The sternum and ribs make up the rib cage. The sternum is attached to the first 7 ribs and also to the clavicle and the collarbone. ये collarbone से भी आपके यहाँ पे attached मिल जाता है. चलो, so we have seen this picture. We have seen ऑल दी अदर बोन्स. देखो याद रखना, ये जो क्रीनल बोन्स है, इसके अलावा बाकी जितने भी आपके यहाँ पे बोन्स हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ माई फेशियल बोन्स. ओके, अपर जो याद रखना, अपर जो इज मैक्सिलिया, लोअर जो इज गोइंग टू बी मैंडिबल्स. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिब्स. रिब्स के बारे में यहाँ बात करते हैं. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स यू विल बी हैविंग. अब याद रखना, जो पहली 7 पेयर होती है वी कॉल देम द ट्रू रिब्स. द फर्स्ट 7 पेयर्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माई ट्रू रिब्स. The 8th, 9th and 10th pair of ribs do not articulate directly with the sternum but joins with the 7th rib. अब पहली जो मेरी 7 रिब यहाँ पे है, इनको हम ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं? Because ये अटैच कर रही होती है अपने आप को विद द योर रिब केज, विद योर स्टर्नम. दिस फर्स्ट 7 पेयर आर गेटिंग देमसेल्फ अटैच विद द स्टर्नम. ये इनको ट्रू रिब्स हम बोलते हैं इसलिए, बिकॉज
because they are getting themselves attached with sternum. On the other hand, जो आपका 8th, 9th और 10th आपका पैर आपका होता है, ये आपका sternum से attached नहीं हो रहा, it is getting attached with the 7th rib. So your 8th, 9th, 10th, 10th pair of rib do not articulate directly with the sternum, but joins the 7th rib. ये आपके 7th rib को आपके यहाँ पे जोड़ेंगे with the help of the hyaline cartilage. ये भी याद रख लो कि यहाँ पे आपका जो cartilage आपके यहाँ पे मिलेगा, that is my hyaline cartilage, right? तो मेरा 7th, 8th और 9th rib जो मेरा आपका होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे false rib. क्योंकि ये मेरा कनेक्ट हो रहा है 7th rib के साथ, sternum के साथ यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा, so that is why we call it as a false rib. और अगर आपसे कोई पूछे कि आपका डॉर्सल साइड पे रिब केज किससे अटैच है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम. बिल्कुल सही, बिल्कुल याद रखना आपको इस बात को कि रिब्स के बारे में आप याद रखना कि आपका वेंट्रल साइड पे तो आपको अटैच हो रहा है स्टर्नम के साथ, बट आपका डॉर्सल साइड बैक वाला जो साइड है आपका यहाँ पे, इट इज गेटिंग अटैच विद द वर्टिब्रल कॉलम. तो ये चीज भूलनी नहीं आपको. लास्ट टू पेयर्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फ्लोटिंग रिब्स. Last two pairs जो आप क्या बोलते हैं, like the of pairs are not connected ventrally and are therefore called as my floating ribs. So आपके आगे वाले side पे ये दो ribs आपकी किसी से connected यहाँ पे होती नहीं है, and that is why we call them as a floating ribs. Thoracic vertebra, ribs and sternum together form the rib cage. So these are all things which are going to form the rib cage. तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वर्टेब्रल कॉलम. द वर्टेब्रल कॉलम इज अ सेट ऑफ अप्रोक्सिमेटली 33 बोन्स. हमने तो बोला था 26, यहाँ पे 33 कैसे बोल रहे हैं लोग. सो लेट्स सी दैट. कॉल्ड इज माई वर्टेब्रा विच आर सेपरेटेड बाय इंटर वर्टेब्रल डिस्क. अब आपको याद रखना है कि आपका जो वर्टेब्रा होता है, अज्यूम दैट कि आपका यहाँ पे एक वर्टेब्रा है, अज्यूम दिस इज योर वर्टेब्रा, राइट. अब दो वर्टेब्रा के बीच में आपको मिलती है आपके यहाँ पे एक डिस्क, जिसको हम कहते हैं आप एज इंटर वर्टेब्रल डिस्क. आपको ये बताएंगे ये डिस्क का फायदा यहाँ पे क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. वेरी गुड, राइट. इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट इज मेड अप ऑफ योर कार्टिलेज. ये कार्टिलेज से बनी हुई आपको यहाँ पे डिस्क मिल जाती है और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. एंड वन कैन एक्चुअली इंक्रीज देयर फ्लेक्सिबिलिटी बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज. अगर आप किसी रीजन से अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप अपने यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाते, अगर आप इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, देन आगे जाके, और आई वुड से अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे डिस्क अगर आपकी डैमेज हो जाती है, देन इट कैन हैव सम सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस. देन यू कैन एक्चुअली हैव अ कंडीशन जहाँ पे आप लाइक बैठ नहीं पा रहे या चल नहीं पा रहे, इट कैन पोटेंशियली हैपन. ठीक है, सो वर्टेब्रल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू लाइक 5 कैटेगरीज. यहाँ पे यू हैव अ सर्वाइकल वर्टेब्रा, यू हैव अ थोरैसिक वर्टेब्रा, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सी. अब आपको यहाँ पे नंबर याद रखने की, सर्वाइकल कितना होता है, थोरैसिक कितना होता है, लंबर कितना होता है, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. सो सर्वाइकल वर्टेब्रा जो आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी 7 इन नंबर हमेशा. हाँ, ये जो आपके नेक एरिया में आपके जो वर्टेब्रा आते हैं, दैट विल बी 7 इन नंबर. थोरैसिक आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 12. राइट राइट, सो 12 विल बी माय थोरैसिक वर्टेब्रा. लंबर यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके? 5 लंबर वर्टेब्रा. एंड अब सैक्रम और कॉक्सी के साथ है क्या ना, सैक्रम और कॉक्सी को अगर हम गिने एज अ सिंगल वर्टेब्रा, बिकॉज इसमें ना छोटी छोटी बोन्स आपकी लगी होती है, सो मेनी बुक्स विल कंसिडर देम एज अ सिंगल बोन. सैक्रम और कॉक्सी को कई बार एज अ कंसिडर किया जाता है एज अ सिंगल बोन, बट अगर हम उसके जो स्मॉल स्मॉल बोन्स, अगर हम उसे हम ब्रेक डाउन करें, देन सैक्रम इज मेड अप ऑफ माय 5 बोन्स एंड कॉक्सी ओवर हियर इज मेड अप ऑफ योर 4 बोन्स. और ये सब मिला के फिर आपका टोटल नंबर आपके यहाँ पे ज्यादा आपके यहाँ पे 33. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पर सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सी, एंड इनका नंबर याद रखना. बिकॉज आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इन वर्टेब्रा से कौन सी नर्व्स जा रही है, या आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर किस टाइप का इंटरवर्टेबल डिस्क आपको यहाँ पे मिल जाए, बट दे कैन आस्क यू द नंबर्स. आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको नंबर मिल सकता है, एंड दैट नंबर कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो दैट इज व्हाई याद रखना, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सी के अंदर These are the numbers we will get to see. ये numbers आपके यहाँ पे याद रखने of the vertebra. अगर मैं इनको 1-1 consider करता ना, sacrum और coccyx को, तो आपका number यहाँ पे आ जाता 26. तो अगर आपको नीट में क्वेश्चन आता है, अगर आपको ऑप्शन 33 वहां पे आपको नहीं दिख रहा, then you can look for option number 26, क्योंकि वो आपका वहां पे आपका सही आंसर बन जाएगा. तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी याद. These are the few things you have to know in terms of the vertebral column.
राइट. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक, लाइक दीज आर द थिंग्स यू कैन अपेरेंटली राइट नाउ कैन इग्नोर ऑल दोस थिंग्स. इतना रखो कि सर्कल वर्टेब्रा में यू विल हैव अ सर्कल वर्टेब्रा आर फॉर्मड ऑफ योर सेवन वर्टेब्रे, राइट. दे आर अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द नेक. ओके, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे सी वन से लेके सी सेवन तक. रानी आपने ये बात कभी नोटिस किया नहीं कि लेकिन डॉक्टर इस लैंग्वेज में बात करते हैं. सो डॉक्टर हैज टू टेल कि उनका कौन से वर्टेब्रा में दिक्कत आई है, देन दे विल टेल लाइक दिस ओनली कि सी फोर और सी फाइव के बीच में इनकी कुछ नर्व्स है जो अब काम नहीं कर रही, या इनका जो डैमेज हुआ है वो सी फाइव में ज्यादा बड़ा डैमेज हुआ है देन योर अदर वर्टेब्रा. सो दैट इज वॉट दे डिस्कस व्हेन दे डिस्कस जनरली अबाउट द वर्टेब्रा एंड डिजीज रिलेटेड टू दैट. अच्छा एक और चीज याद रखना, आपका जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसमें से ही आपका स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा होता है, समथिंग यू शुड बी नोइंग दैट. आपके वर्टेब्रल कॉलम से ही आपका स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा होगा. सो दिस इज द लोकेशन फ्रॉम विच यू विल फाइंड द स्पाइनल कॉर्ड मस्ट बी पासिंग. सो वर्टेब्रल कॉलम में से ही आपके यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आपके यहाँ पे पास हो रहा होगा, पासिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन. ओके, बाकी ये सब आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते फिलहाल के लिए. यू कैन जस्ट नो वन मोर थिंग, द सी वन वर्टेब्रा आर नेम्ड एज अ एटलस. जो आपका सबसे पहला वर्टेब्रा आपके यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एटलस, हुज फंक्शन इज टू होल्ड अप टू अ स्कल. उसका फंक्शन यहाँ पे होता है कि वो स्कल को यहाँ पे पकड़ के रखता है. ऑल्सो सी टू इज नेम्ड एज अ एक्सिस सिंस इट इज सर्व्स एज अ एक्सिस फॉर द स्कल एंड एटलस टू. तो याद रखना सी वन जो आपको होता है पहला वर्टेब्रा जो आपको यहाँ पे उसे बोलेंगे यहाँ पे एज एटलस, एंड सी टू जो मेरे यहाँ पे वर्टेब्रा होगा उसे बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ एक्सिस. Because it serves as an axis for the skull and atlas to rotate while turning head from side to side. अगर आपके head को अगर आपको side to side rotate करना हो तो उसमें ये आपके यहाँ पे मदद कर रहा है. So this is what you have to know in my cervical vertebra. Then you have a thoracic vertebra. लेकिन एक काम करें, दो तीन पहले क्वेश्चन सॉल्व करते फिर हम इन्हें यहाँ पे देखते हैं. Let's solve couple of questions over here. तो मुझे आप यहाँ पे बताओ, quickly tell me a few questions. क्वेश्चन नंबर 60 के लिए हैंड रेस करो. क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अ न्यूरोट्रांसमीटर डैश जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा. कौन सा होता है न्यूरोट्रांसमीटर आपका जनरली, बताइए अपूर्वा. डी वाला डी. जानवी क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? अमनप्रीत सर डेली वाला डी. कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी? बताइए अक्षरा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? जसनूर सिद्रा क्या लग रहा है इसका आंसर? सर फोर्थ ऑप्शन. एंड महेश सर दिल्ली वाला डी. ऑप्शन फोर बेटा आपके यहाँ पे सी आ जाएगा. सी आपके यहाँ पे तीन स्टेटमेंट आपके लिखे हुए हैं आपके यहाँ पे. अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. द रिएक्शन टाइम ऑफ अ मसल कैन वेरी इन डिफरेंट मसल. बिल्कुल आपका रिएक्शन टाइम जो आपका मसल का होता है वो आपका वेरी कर सकता है. मसल फटीग ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इन ड्यू टू एंड नर्विक रेस्पिरेशन. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. आपका मसल का फटीग होता ही तब है व्हेन यू हैव अ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ड्यू टू एंड नर्विक रेस्पिरेशन. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी हियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. रिलैक्सेशन ऑफ मसल, आपको क्या लगता है कि मेरे मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स कब करते होंगे? व्हेन दे मस्ट बी रिलैक्सिंग. सो रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज ड्यू टू व्हाट? टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन ऑप्शंस थरली एंड देन टेल मी. रिलैक्सेशन ऑफ मसल जो आपका यहाँ पे होता है वो कैसे होता है, लाइक क्यों होता है? बताइए तो अंतरीत. सब बोथ ए एंड सी. पल्वी क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी. ओके राइट, सो ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे आंसर. सही आंसर, सबका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही. एक तो आपके कैल्शियम आयंस को हम वापस ले जाते हैं हमारे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, दैट्स वन थिंग.
उसके साथ साथ आपका जो ट्रोपोनिन था ना वो आपस से रीअरेंज हो जाता है और इट विल कम बैक टू द सेम पोजीशन. सो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन योर ट्रोपोनिन एंड मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, वो वापस से अपने एक्टिन को वो मास्क कर लेगा और आपके कैल्शियम आयंस वापस से चले जाएंगे आपके यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. सो यस, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे मेरा यहाँ पे सही आंसर. Which of the following muscle gets into fatigue very early? इनमें से कौन सा मसल मेरे यहाँ पता है जो बहुत जल्दी यहाँ पे फटीग हो जाता है? बताइए जानवी. ए ऑप्शन के साथ अगर आप सब लोग यहाँ पे जा रहे हो देन आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. योर मसल्स विल अंडरगो फटीग वेरी अर्ली बिकॉज ऑफ दैट इज योर स्केलेटल मसल्स. यही आपके होते हैं जो बहुत जल्दी थक के आपके लाइक बैठ जाते हैं. लाइक आई वुड से दे अंडरगो फटीग वेरी क्विकली. सो दिस इज माय स्केलेटल मसल्स. बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद डैश इन द स्केलेटल मसल लीड टू एक्सपोजर ऑफ बाइंडिंग साइड फॉर डैश ऑन द फिलामेंट. के सब लोग सोचिए. तवनप्रीत क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए. अपूर्व अक्षरा. ए ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन. एंड जानवी. ए ऑप्शन. राइट, ट्रोपोनिन इज गोइंग टू बी द ब्लैंक वन एंड यस मास्किन एंड एक्टिन इज गोइंग टू बी अ ब्लैंक टू. सो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद ट्रोपोनिन इन द स्केलेटल मसल एंड लीड्स टू एक्सपोजर ऑफ द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, ऑन द फिलामेंट एक्टिन. दैट्स ट्रू. ओके, नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर. यहाँ पे हम वापस से आते हैं. लेट्स कम बैक टू हमारा एक्सेल स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है, देन वी हैव अ थोरैसिक वर्टेब्रा. थोरैसिक वर्टेब्रा आपको आपके थोरैसिक बैक एरिया में आपको मिलेंगे. यहाँ पे आपके इज प्लेस इन द मिड बैक ऑफ द ह्यूमन बॉडी. द मेन फंक्शन इज टू होल्ड द रिब केज एंड प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स. दैट इज व्हाट थोरैसिक वर्टेब्रा आर नोन फॉर. द 12 थोरैसिक वर्टेब्रा आर नेम्ड एज T1 टू T12. Thoracic vertebra are the unique one another than remaining vertebra and it supports the ribs, right? So they are going to be actually unique. Thoracic vertebra aapke yahan pe alag hoga compared to the other vertebra. Then you have the lumbar vertebra. Lumbar vertebra aapke yahan pe kaun sa hota hai? These are the largest in the vertebral column and comprise of 5 vertebra bones between rib cage and pelvis. So aapka jo back ka jo like back se jo aapka niche wala aapka area hota hai उसको हम बोलते हैं यहाँ पे से वहां पे आपको मिलेंगे वहां पे लंबर वर्टेब्रा व्हिच आर गोइंग टू बी नंबर ऑफ लाइक 5 वर्टेब्रा यू विल गेट टू सी बिटवीन द रिब केज एंड द पेल्विस. दे आर नेम्ड एज L1 and L5. ओके, याद रखना L1 इज द क्लोजेस्ट टू द थोरैसिक वर्टेब्रा व्हेयर एज L5 इज एडजेसेंट टू द पेल्विस. द लंबर वर्टेब्रा फंक्शन एज अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. ये बेसिकली आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर तरह काम करता है. अगर आप कभी नोटिस करोगे ना तो ये जो आपका बैक होता है लोअर बैक, जब आप कोई चीज उठा रहे होते हो, जब आप कोई चीज पिकअप कर रहे होते हो, कोई चीज अगर आप जमीन से उछाड़ो भारी, तो आपके लोअर बैक के ऊपर ही प्रेशर आता है. आपने ये बात कभी अभी तो आप इस एज में आपने कभी ये नोटिस किया नहीं होगा, बट जब आपकी एज हो जाती है देन यू व्हेन यू पिक समथिंग हैवी एंड इफ यू डोंट पिक अप इन अ सर्टन वे देन इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द लोअर बैक. सो लोअर बैक को इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ओवर हियर. राइट, देन यू हैव अ सैक्रल वर्टेब्रा. Sacral vertebra में याद रखना, they are made of my 5 vertebral bones which fuse together to form the sacrum. उसे single की तरह भी हम यहाँ पे count कर लेते कई बार. Coxi vertebra, the coxi vertebra are formed by a fusion of 3 to 5 rudimentary bones. यहाँ पे 4 आएगा, 4 rudimentary bones to form a small triangular bone at the bottom of the vertebral column. The coxi vertebra are also referred to as a tailbone. ये बात आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी कि आपका जो coxi vertebra आपका होता है ना उसको हम इवन कहते हैं एज अ टेल बोन. और कहा जाता है कि लाइक इट वाज सपोज्ड टू बी फॉर्मिंग द टेल इन अदर स्पीशीज बट हमारे अंदर ये टेल नहीं बना था. दिस इज गोइंग टू बी माय वर्टेब्रल कॉलम. याद रखना सैक्रल, कॉक्सी, लंबर, थोरैसिक, ये सारे बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स है. नंबर भी यहाँ पे आपका सिंपल है. सो दीज आर द वर्टेब्रल्स यू हैव टू नो. देन यू हैव वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. वर्टेब्रल कॉलम आपके स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे करेगा आपका प्रोटेक्ट. प्रोवाइड स्टिफनिंग टू द बॉडी. बिल्कुल, आपके बॉडी की स्टिफनेस प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट बाय बैलेंसिंग द बॉडी वेट एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल एंड अदर मसल्स. दिस इज व्हाट माय वर्टेब्रल कॉलम इज बीन नोन फॉर. ईयर ऑसिकल्स हम यहाँ पे देख चुके हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. यू हैव योर मेलस इंटरस्टेट्स, दे आर माई ईयर ऑसिकल्स.
पहले तो हम ईयर भी पढ़ाया करते थे, अब तो ईयर भी आपका हट चुका है, इट इज अ पार्ट ऑफ माय मिडिल ईयर, यू नो लॉन्गर हैव ईयर। अच्छा बाय द वे आई होप आप सबको मालूम है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से आपका सिर्फ फ्रॉग आता है, अब यू हैव ओनली फ्रॉग, नो अर्थवर्म, यू हैव नो एनिमल टिश्यू, ठीक है। लेकिन उसमें एक बात ऐसी है कि लास्ट ईयर उन्होंने कॉकरोच के दो सवाल पूछे थे, दे हैव आस्क्ड टू क्वेश्चंस ऑफ कॉकरोच इटसेल्फ। तो जब भी आप ये चैप्टर प्रिपेयर करते हो ना, आई वुड रिकमेंड कि एनसीईआरटी में जो कॉकरोच दिया हुआ है वो आप एक बार पढ़ लो, ताकि कॉकरोच भी आपको आ जाए और आपका दिस इज समथिंग यू कैन आल्सो डील विद दैट। फ्रॉग तो आपका ही वहां पे, तो ये चीज का ध्यान रखना। बट इसमें एक छोटा सा कैच ये होगा कि नई वाली एनसीईआरटी के अंदर आपका कॉकरोच नहीं है जितने, अच्छा आप लोगों ने चेक किया ये बात आपने देखी है, जितने लोगों के पास नई वाली एनसीईआरटी है इट माइट नॉट हैव द कॉकरोच ओवर देयर, नोटिस किया आप लोगों ने ये बात? यस सर। Right, so that is why you can read the cockroach on the module in that case, क्योंकि आपका in NEET के अंदर आपका frog रहेगा, that is going to be always going to be there, but cockroach में से भी वो लोग सवाल पूछ लेते हैं, so you have to be थोड़ा सा careful with that as well. समझो आप पढ़ के गए frog, वहाँ पे एक दो question आ गए cockroach के, then you should be able to answer that. Okay, now let's talk about your appendicular skeleton, जिसमें आपके यहाँ पे आएंगे आपके four limbs and hind limbs. फोर लिम्स हाइंड लिम्स आपके यहाँ पे आते हैं, उसके साथ यू विल हैव अ पेक्टोरियल गर्डल एंड यू विल हैव अ पेल्विक गर्डल। तो इतनी चीजें आपकी यहाँ पे आएगी इन टर्म्स ऑफ योर एपेंडिकुलर स्केलेटन। इट कंसिस्ट ऑफ 186 बोन्स इंक्लूडिंग द बोन्स ऑफ योर लिम्स एज वेल एज सपोर्टिंग द पेल्विक एंड पेक्टोरियल गर्डल। तो ये मुझे यहाँ पे आपके बोन्स देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाती है। जब भी आपके सामने टर्म आएगा यहाँ पे पेक्टोरियल गर्डल का, ये वो वाला पार्ट है आपके आर्म का जहाँ पे आपका ह्यूमरस लगता है। So pectoral girdle is that part of your body where you will find your humerus, your clavicle bones have been present. So आपके upper arm का जो part होता है उसे हम कहते हैं pectoral girdle. जहाँ पे आपका femur bone लगता है, जिस socket में जाके आपका femur bone आपका जाके लगता है, that area over here is called as my, that area over here is going to be called as your, particularly your pelvic girdle. उसे हम बोलेंगे यहाँ पे pelvic girdle. So let's try to see them. So you have a shoulder girdle, that's your pelvic girdle. यहाँ पे पेक्टोरियल गर्डल की बात की जा रही है, सो दैट टाइम टू टॉक अबाउट माय पेक्टोरियल गर्डल, राइट। आर्म्स एंड फोर आर्म्स आप यहाँ पे जानते हो, हैंड्स आपके यहाँ पे आ गए, पेल्विस आपका आ गया नीचे वाले एरिया में, पेल्विस आपके यहाँ पे आ गया, थाई एंड लेग्स आपके यहाँ पे आ गया, राइट, एंड देन यू हैव फीट एंड द एंकल्स, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ माय एपेंडिकुलर स्केलेटन। लेट्स टॉक अबाउट माई एपेंडिकुलर स्केलेटन, यहाँ पे हम बात करते हैं शोल्डर गर्डल की, हम यहाँ पे बात करते हैं। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ से कई बार आपके यहाँ पे सवाल आता है, राइट। तो शोल्डर गर्डल को हम इवन यहाँ पे बोलते हैं एज अ पेक्टोरियल गर्डल, राइट। इट इज अ सेट ऑफ फोर बोन्स, आपके यहाँ पे चार बोन्स आपको मिलेगी विच आर कनेक्टेड टू द आर्म ऑन द ईच साइड। कौन सी बोन आपके यहाँ पे दिखेगी, आपको यहाँ पे एक होता है आपके यहाँ पे कॉलर बोन, कॉलर बोन जो आप इसे टच करके भी आप देख सकते हो, यू कैन सी, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे क्लेविकल। तो क्लेविकल को हम इवन बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉलर बोन, कॉलर बोन ओवर हियर, राइट। सो दिस इज वन थिंग यू विल फाइंड इन दिस, राइट। देन यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक माई स्केपुला, स्केपुला याद रखना, स्केपुला को हम इवन बोलते हैं आप एज अ शोल्डर ब्लेड, इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर शोल्डर ब्लेड। अब स्केपुला या शोल्डर ब्लेड जो आपका यहाँ पे होगा, तो स्केपुला तो आपने यहाँ पे देख लिया, यू ऑल्सो हैव अ शोल्डर ब्लेड ओवर हियर इन द बैक, तो ये दो आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। अब आपका जो क्लेविकल होता है ना, वो आपके स्केपुला से अटैच हो रहा होगा एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, एक पर्टिकुलर पोजीशन होगा, एक पर्टिकुलर सॉकेट होगा जहां पे मेरा क्लेविकल अटैच हो रहा होगा मेरे यहाँ पे स्केपुला के साथ, एंड दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एक्रोमियन। सो एक्रोमियन आपका वो रिज होता है जहां पे आपका क्लेविकल आपके स्केपुला से आपका यहाँ पे अटैच होगा, तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इसके अलावा याद रखना है कि आपको यहाँ पे ना एक सॉकेट बनता हुआ मिलेगा, कॉलर बोन शोल्डर पे मिलके बनाएंगे यहाँ पे अपना सॉकेट, और उस सॉकेट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्लेनॉइड कैविटी, तो वो सॉकेट को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ ग्लेनॉइड। तो एक बड़ा सा सॉकेट आपका बनेगा यहाँ पे, एंड दैट सॉकेट इज कॉल्ड एज माय ग्लेनॉइड कैविटी। और ये जो ग्लेनॉइड कैविटी आपके यहाँ पे होती है, इसके अंदर हम लोग अटैच कराते हैं हमारे यहाँ पे ह्यूमरस, दिस इज वेल आई बी फाइंडिंग माई ह्यूमरस बोन इज गेटिंग इटसेल्फ अटैच। याद रखना, आपके ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर ही आप अपना यहाँ पे अटैच कराते हैं अपने यहाँ पे ह्यूमरस को। So you have a clavicle, you have a scapula, you have your acromion, याद रखना, it is a ridge जहाँ पे आपका clavicle आपका scapula से attach होगा, and then you have a glenoid cavity। आपसे पूछा जाएगा कि glenoid cavity आपको कहाँ मिलती है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा
पेक्टोरियल गर्डल में. आपसे पूछा जाएगा कि ग्लेनॉइड कैविटी में आप किसको अटैच कराते हो, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा ह्यूमरस. ग्लेनॉइड कैविटी में जो आपके यहाँ पे बोन नर्व आपका अटैच हो रहा है जहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी ह्यूमरस. आपने पता है सुना होगा या देखा होगा आपने बच्चों में, कई बार बच्चों का हाथ निकल जाता है यहाँ से. यस सर. देखा है किसी ने? नहीं देखा. यस सर देखा है. अरे अक्षरा ने लाइफ में काफी कुछ देखा. एक्स्ट्रा इनर 16 इयर्स ऑफ लाइफ हैज सीन नंबर ऑफ थिंग्स राइट. तो फिर ऐसा होता है ना, उसको हम वापस ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर कर सकता है राइट. नॉट समथिंग यू शुड ट्राई डूइंग दैट कभी भी, बट यस इट कैन हैपन. ऐसा होता है कई बार कि खेलते खेलते कई बार निकल जाता है, या कई बार कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा होता है तब आपका एकदम से इसम के लिए डिसलोकेट होना, आपका आर्म डिसलोकेट होना. तो आर्म डिसलोकेट होना मतलब आपका जो पेक्टोरल गर्डल था वहां से वो बाहर निकल गया. अब जैसे वो बाहर निकल गया, देन योर डॉक्टर इज द वन व्हिच इज गोइंग टू गेट इटसेल्फ अटैच बैक इनटू द साइट. थोड़ा सा पेनफुल होता है वो अटैच करना, बट वो आपका अटैच कर दिया जा सकता है. सो दैट इज वन थिंग व्हिच कैन हैपन. द पेक्टोरल गर्डल इज अ पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन व्हिच आर फॉर द अपर लिम्ब. द ह्यूमन बीइंग पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ स्कैपुला एंड द क्लेविकल. सो इतनी चीजें आपने यहाँ पर रखनी याद. क्या इतनी बात है आप सबको यहाँ पे याद रह जाएंगी ऑल दिस थिंग्स? यस सर. ये सब आपने यहाँ पर रखना है आपका याद. दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच यू ऑल हैव टू नो नाउ. देन वी हैव द सो दिस इज अ आर्म. So you can see over here, now let's see how many bones you have in the arm over here, right? इसको हम यहाँ पे count करते हैं. So we have a humerus, humerus हमारे पास है यहाँ पे एक. So humerus over here is going to be one, right? Then you have a radius and ulna. Radius and ulna जो आपके यहाँ पे होगा, ये आपके यहाँ पे दोनों मिला के आपके यहाँ पे दो जाएंगे. So radius and ulna are going to be like two. Then you have the carpals. अब carpals आपके यहाँ पे होते हैं आपके wrist bones. आपके रिस्ट में जो आपके बोन्स होते हैं यू कॉल देम द कार्पल्स. तो कार्पल्स का अमाउंट आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा? द कार्पल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी 18 नंबर. द कार्पल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी 18 नंबर राइट. सो आठ याद रखना. कार्पल्स आपके यहाँ पे रिस्ट बोन में आपके जो बोन्स आपके आएंगे वो आपके यहाँ पे आठ होंगे. देन यू हैव समथिंग लाइक मेटाकार्पल्स. मेटाकार्पल्स जो आपके लाइक फिंगर्स के पहले जो आपके यहाँ पे बोन्स होते हैं कॉल देम द मेटाकार्पल्स. मेटाकार्पल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे पांच. मेटाकार्पल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे पांच. एंड देन यू हैव द फेलेंजेस. अब फेलेंजेस में आपको याद रखना है कि आपको थंब अगर आप हटा दो, थंब के अलावा बाकी चार जो आपके फेलेंजेस होते हैं ना, उन सबके अंदर लगे होते हैं तीन बोन. सो अदर देन द थंब, बाकी जो आपके चार फेलेंजेस है आपके वहां पे, ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग थ्री बोन्स. सो थ्री फोर आर 12 हो गया. और थंब के अंदर आपके होते हैं वहां पे दो. थंब के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे दो बोन आपको मिल जाएंगे. सो 12 प्लस 2 गोइंग टू बी 14. सो बताइए कितना टोटल आपका वन के यहाँ पे आपको मिल रहा है? 30. Your single arm will have 30 bones. तो दोनों आर्म मिला के आपके पास कितने बोन्स होंगे? 60. 30 bones. One arm. यार इतनी ही बात आपको यहाँ पे सही तरीके से. This is what you find happening in this. ये आपको मिलता है आपके एक सिंगल आर्म के अंदर आपको, right? So 30 bones you get to see over here. चलो देखते हैं हम. सो द आर्म और फोरआर्म, द आर्म एंड द फोरआर्म आर कंसिस्टेड बाय द सिक्स बोन्स राइट. द लार्जर बोन ऑफ द आर्म इज गोइंग टू इंक्लूड द ह्यूमरस. ह्यूमरस रन्स फ्रॉम द शोल्डर सॉकेट एंड जॉइंट्स टू द रेडियस एंड अल्ना एट द एल्बो राइट. रेडियस अल्ना को जाके आपका अटैच कर देता है. रेडियस इज अ फोरआर्म व्हिच रन्स फ्रॉम द एल्बो टू द थंब ऑन द साइड ऑफ द रिस्ट. एंड अल्ना अ फोरआर्म व्हिच रन्स फ्रॉम द एल्बो टू पिंकी साइड ऑफ द एल्बो. इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है. आप बस याद रखना कि यू हैव अ रेडियस एंड अल्ना बोन व्हिच विल रन फ्रॉम द योर ह्यूमरस टुवर्ड्स योर कार्पल्स की तरफ वापस जा रहे होंगे. ओके, नाउ यू हैव दिस कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस हम यहाँ पे देख चुके हैं. सो वी हैव ऑलरेडी सीन देम कि उनमें कितने बोन्स होते हैं. आप देख पा रहे हो अदर देन द थंब. थंब के अलावा अगर आप इस थंब को अगर आप इग्नोर करोगे तो इसके अलावा यू विल हैव रिमेनिंग ऑल द फोर बोन्स. ऑल द थ्री फोर फिंगर्स विल हैव थ्री बोन्स ईच. थंब के अंदर आपके दो ही होते हैं. The hand consists of 54 bones, which provide support and flexibility to the soft tissue. The bones of hand are categorized into 54. मतलब उन्होंने सबके count करके बोल रहे हो लोग. Like they are counting all of them and then they are saying that the bones of the hand are categorized into three groups: carpals, metacarpals, and phalanges.
Phalanges, metacarpal, carpals, हम यहाँ पे already बात कर चुके, let's not waste time on this. Phalanges are the bones of the fingers. There are three phalanges in each finger, except for the thumb. ठीक है? तो ये आपको रखना है यहाँ पे as a one more thing. ये आ गया मेरे यहाँ पे pelvic girdle. अब pelvic girdle जो आपके यहाँ पे था, आपको तीन bone के नाम पे आपको यहाँ पे याद रखने हैं. That pelvic girdle will have three bone in each half. So you have a ilium. So you will be having something like your ilium, pubis and ischium. तो ये आपको मिलेगा एक सिंगल हाफ के अंदर एंड देन यू हैव अदर हाफ व्हिच विल हैव द थ्री बोन्स. सो इलियम, प्यूबिस एंड ईशियम विल हैव अ सिंगल सेट ऑफ बोन्स एंड दूसरे पार्ट के अंदर आपको ये तीन बोन मिलेंगे. सो बेसिकली पेल्विक गर्डल विल हैव सिक्स बोन्स. यहाँ पे छह बोन्स तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. सो सिक्स बोन्स विल बी समथिंग विल गेट टू सी ओवर हियर. अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात आप वैसे भी याद रखना, दैट पेल्विक गर्डल जो फीमेल्स में होता है वो थोड़ा आपका ब्रॉड होता है. Pelvic girdle females का broad होगा. What is the reason for that? Why you have a broad pelvic girdle in females? Pregnancy. Right, pregnancy to like to have a smoother parturition. So post pregnancy the parturition, the passing of the child from that birth canal, and for that you need to have a broader pelvic girdle. So ये बात आपको यहाँ पर रखनी है. So pelvic girdle is located in the lower part of the trunk. It is a ring-like bony structure. The pelvic girdle consists of two bones of sacrum and a coccyx. The pelvic girdle is formed by a paired hip bones and each made up of your ilium, ischium and pubis. ये तीन bones का नाम आपको यहाँ पे रखना है याद. Now, function यहाँ पे क्या होता है मेरे pelvic girdle का? It transfers the weight of the body from exoskeleton to the appendicular components, especially during the movement. तो ये weight transfer करते समय, like जब आप movement कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो weight का transfer आपके यहाँ पे हो जाता है towards the pelvic girdle. Provides attachment from number of muscles. कई सारे muscles आप attach होते हैं and ligaments. Enabling the movement. तो कई सारे muscles and ligament आपके यहाँ पे attach होते हैं जिससे आपके यहाँ पे movement आपके यहाँ पे हो पाती है. The majority of the women have a gynecoid pelvis and males have a android pelvis. That means a larger and a smaller one. The difference in the structure creates a greater pelvic outlet, enabling the process of childbirth. The childbirth के time पे you actually need to have a larger pelvic girdle and that is what you will find in this kind of appendicular skeleton के अंदर. ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसमें आपकी bones यहाँ पे कौन कौन सी लगती है. अब thigh के अंदर जो आपकी bones आती है, the thigh will be having a bones and that bone is going to be my femur bone. Femur bone के बारे में याद रखना, it is the largest bone and the heaviest bone in the human body. Right, at the proximal end of the femur there is a rounded prominence which is called as my head of the femur. अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी फीमर बोन कहाँ पे अटैच होती है, देखो आपसे कोई पूछ सकता है कि आपका ह्यूमरस कौन से सॉकेट में अटैच होता है, देन आपका आंसर वहां पे क्या आएगा? बॉल ग्लेनॉइड कैविटी. ग्लेनॉइड कैविटी आपका वो सॉकेट है जिसके अंदर आपका यहाँ पे आपका ह्यूमरस बोन आपका यहाँ पे अटैच करेगा. राइट, ऑन द अदर हैंड आपका जो फीमर बोन है ये जिस सॉकेट में अटैच करता है दैट सॉकेट इज कॉल्ड एज माय एसिटेबुलम. दैट सॉकेट ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर एसिटेबुलम. तो एसिटेबुलम आपका वो सॉकेट होता है जहां पे आपको क्या मिलेगा देखने, दैट योर थाई बोन्स और व्हाट यू कॉल एज योर फीमर बोन्स आर गेटिंग देमसेल्फ अटैच इनटू द योर पर्टिकुलर सॉकेट. सो एसिटेबुलम आपको वहां पे ये सॉकेट आपका यहाँ पे हो जाएगा. सो लेट मी शो यू, यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी द फीमर बोन, यू कैन सी अ टीबिया एंड फिबिया, टार्सल्स एंड फेलेंजेस. यहाँ पे मैं काम करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे काउंट करके देख लेते कि आपके आपके कितने बोन्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं. So let's have a look at this. Femur bone जो आपके यहाँ पे होगा ये तो आपका यहाँ पे एक ही होगा. So that's one in number. Fibula and tibia जो आपके यहाँ पे है, they are like radius and ulna. इनका नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा आपके यहाँ पे दो. So they will be in two in number. अब एक चीज जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी जो आपको यहाँ पे बतानी है, इस एरिया के अंदर फीमर और जहाँ पे आपका टीबिया आपके यहाँ पे जा रहा होता है, here you will find जहाँ पे आपकी नी हो रहा होता है, नी जॉइंट जहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे आपको एक बोन मिलता है एंड दैट बोन हियर इज कॉल्ड एज माय पटेला. यहाँ पर एक आपको बोन मिलेगा एंड दैट बोन इज कॉल्ड एज योर पटेला. तो पटेला बोन जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो आपका एक ही होता है. सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी वन इन नंबर. राइट, सो यू हैव अ फीमर, पटेला, फिब्यूला, टीबिया एंड देन यू हैव द टार्सल्स. अब टार्सल्स का नंबर कितना, तो कोई बताएगा मुझे यहाँ पे टार्सल्स कितने नंबर में होते हैं यहाँ पे? वेरी गुड, it is going to be 7 in number. Tarsals मेरे यहाँ पे हो जाएंगे 7 number में.
राइट, एंड देन यू हैव द फैलेंजेस। फैलेंजेस जो आपके ह्यूमंस के आर्म्स हैंड में थे वही आपके यहाँ पे भी रहेंगे। यू विल हैव योर फोर सीज आर 12 एंड 12 प्लस 2 14, तो फैलेंजेस आपके यहाँ पे 14 आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अगर आप इन्हें यहाँ पे कैलकुलेट करते हो देन यू विल गेट टू रियलाइज दैट दिस विल आल्सो हैव योर 30 बोन्स। यहाँ पे भी आपको 30 बोन्स मिल जाए, कंफ्यूज मत होना, ये मत कहना कि सर यहाँ पे तो 7 थे वहां पे 8 हुआ करते थे, हमने पटेला डाल दिया ना यहाँ पे, वी हैव एडेड अ पटेला बोन्स, दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ बोन्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी 13 नंबर। क्या इतनी बात आप सबके यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? काउंट याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा, ठीक है। Now let me first of all give you a couple of questions. एक दो question यहाँ पे जरा देखना and let's see if you're able to solve those questions. 28 के लिए hand raise करो फटाफट। Total number of bones in each limb of the man is going to be what? कोई नया बच्चा नहीं है हमारे पास। बताइए प्रखर क्या होगा आंसर यहाँ पे? B. And महेश आपको क्या लग रहा है? 30. महेश बताओगे? स्टार्टिंग से लेके नीचे तक वाले बोन्स का नाम हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस से। ह्यूमरस आपका हो गया एज अ बोन नंबर 1, उसके बाद कौन से दो बोन आते हैं? ये वाले कौन से आते हैं? रेडियस उल्ना, रेडियस उल्ना, देन कार्पल मेटाकार्पा फ्लेंजर्स। कार्पल कितने होते हैं? कार्पल 8 होते हैं। एंड रेडियस उल्ना 2 1 1 2, राइट। और फ्लेंजर्स 14 होते हैं लेकिन थंब पे 2 ही होते हैं। हाँ, और मेटाकार्पल्स? मेटाकार्पल 5, राइट। सर बोलो 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 मैडम बोलो। सर जो पीछे लेग वाली बोन्स कराई है उसमें मैंने काउंटिंग की तो वो 25 बन रही है। मूवी ये तो काफी कम हो गई। चलो देख लेते एक बार बेटा, देख लेते हैं। हाँ सर आपने काउंट करना चालू किया था। सो यू हैव टेकन द फीमर, एक हो गया आपका, ठीक है। बेटा क्या सर मेटाटार्सल्स नहीं है? यस सर। अरे है है, अरे अरे हाँ होते इसके अंदर, हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया। अच्छा वी हैव अ मेटाटार्सल, होते होते वी हैव टार्सल एंड वी हैव मेटाटार्सल्स एज वेल। मेटाटार्सल्स नहीं है, राइट मेटल्स होंगे आपके यहाँ पे, वो भी 5 ही रहते हैं जैसे आपके मेटाकार्पल्स होते हैं ना आपके 5, वैसे आपके मेटाटार्सल्स भी आपके यहाँ पे 5 ही होंगे। सो योर नंबर इज नॉट गोइंग टू गो, उतना ही रहेगा, ठीक है, 30 रहेगा, राइट। सो हमने ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे यहाँ पे। चलो आसान आसान सवाल है बेटा ये सब। द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज गोइंग टू बी व्हाट? बोलो, बताइए प्रखर, बोलिए। पल्वी बताइए। सर ऑप्शन बी। जसनूर क्या लग रहा है? सर 2 पेयर्स, बी ऑप्शन। दैट्स अ करेक्ट आंसर, यू विल हैव अ 2 पेयर्स। और इन्हें हम क्यों बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स? व्हाई जसनूर, व्हाई वी कॉल देम एज अ फ्लोटिंग रिब्स? बेटा ये भी बताना चाहिए था आपने, ऐसे नहीं करते हैं। बोलो जानवी। हाँ बोलो। सर वो कॉस्टिंग नहीं होते, दे आर not attach on the ventral side, ventral side wo bilkul free rehte hain, and that is why we call them as a floating ribs. Bilkul sahi. Glenoid cavity articulates. Glenoid cavity ke andar hum yahan pe kya articulate karenge, jo aapka jo hula aapka ban raha hota hai cavity wala, uske andar aap kya attach karte ho? Again aasan sawal hai, bataiye Mahesh. Humerus. महेश क्या प्लान क्या ये था क्या ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का पहले से? साधु ऐसा कुछ था तो लग तो ऐसा ही रहा है, लग तो ऐसा रहा है कि अभी कोई इसका हार्ट डिसलोकेट हो गया तो महेश विल कम फॉरवर्ड, अरे हटो 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 करके आएगा महेश। ऑलराइट, सो यस बताइए पूरा क्या होगा आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन, ह्यूमरस विद स्कैपुला। These are the one of the match the following you have to do over here. Match the following columns and select the correct option. Bataiye. You have a column 1 and you have a column 2. Have a look at this and give me a correct answer. Take your time. Galat mat karna.
चलिए बताइए अक्षरा क्या होगा आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। ओके जसनूर सर फोर्थ ऑप्शन। तवनप्रीत फोर्थ ऑप्शन। एंड अपूर्वा फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे फोर्थ आ रहा है, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो ये यहाँ पे आपका हिसाब से आपके यहाँ पे फोर्थ के साथ फिक्स होगा आपके यहाँ पे, लाइक फ्लोटिंग रिब्स टू नेट कनेक्ट टू द स्टर्नम। ठीक है चलो ये हमने यहाँ पे मान लिया राइट। बी के साथ करके आपका थ्री आएगा, एक्रोमियन विल बी लाइक क्लेविकल। ओके ठीक है ऑलराइट। सी के साथ आपका वन करो स्कैपुला इज गोना बी लोकेटेड बिटवीन द सेकंड एंड द सेवंथ रिब। ऑलराइट ओके ठीक है। And Leonard cavity is going to come with the head of the humerus. Yes, that is my option B. Okay. So what you have to do in this kind of chapter, in like this portion, आपको करना क्या? Basically, आपको इन bones के नाम, number आपको याद रखना, उनका location आपका क्या है, वो आपको याद रखना है. Nothing else is going to come from beyond this. ठीक है, इसमें से ज़्यादा कुछ और घुमा फिरा के लोग आपको यहाँ पे पूछेंगे नहीं. इतनी चीज़ अगर आप सही से पढ़ के जाते हो, तो आपके question वहाँ पे आपके solve हो जाते हैं. चलो लेट्स कम बैक। ऑलराइट दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव डन। अभी काम करते हैं, वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर टुमारो इटसेल्फ। कल हमें चैप्टर में लेकिन दो चीजें करनी पड़ेंगी। वी हैव टू डू द जॉइंट्स वाला पार्ट, वी हैव टू कंप्लीट द अपेंडिकुलर स्केलेटन जो आपको ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है वैसे तो। यू कैन रीड ऑल द रिमेनिंग थिंग्स बाय योरसेल्फ। मेजर चीज आपके यहाँ पे बता लग चुकी है यहाँ पे, सो यू हैव टू जस्ट रीड दिस कपल ऑफ थिंग्स यहाँ पे। फीट और एंकल में आपके क्या क्या आपके यहाँ पे बोन्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, वी ऑल नो दे, वी नो व्हाट आर माय टार्सल्स राइट। यहाँ पे आठ आएंगे, यहाँ पे सात आएगा नंबर राइट। यू हैव मेटाटार्सल्स एंड यू हैव फैलेंजेस ओवर देयर राइट। ये एक बार आपने इन्हें पढ़ लिया, विच यू ऑलरेडी नो ऑल दोस थिंग्स, दैट्स इट। यहाँ पे आपका एपेंडिकुलर और एक्सोस्केलेटन आपके यहाँ पे खत्म हो जाता है। हाँ ये बात याद रखना, टेंडन्स का काम होता है बोन्स को ज्वाइन करना स्केलेटल मसल्स के साथ। टेंडन्स हैव अ रोल टू ज्वाइन द बोन्स विद द स्केलेटल मसल। लिगामेंट का यहाँ पे काम होता है टू ज्वाइन द टू बोन्स, दो बोन के बीच में जो आपके यहाँ पे अटैचमेंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय लिगामेंट राइट। कार्टिलेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द बोन्स एट द जॉइंट्स फ्रॉम वेयर एंड टियर। कार्टिलेज आपके वेयर एंड टियर से बचाता है आपको यहाँ पे। दे आर फॉर्म येट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल देन द बोन्स, इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ईयर नोज रिब्स ब्रोंकियल ट्यूब्स मेनी प्लेसेस। सो दीज आर द की टर्म्स यू हैव टू नो। अभी इसके अंदर आप लोग जब मुझे वापस मिलोगे, विच यू विल बी मीटिंग मी अगेन टुमारो, सो कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो टुमारो आई थिंक दिस विल बी द फोर्थ लेक्चर। सो कल हम चैप्टर खत्म करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से होंगे, हम इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड सम चैप्टर सम क्वेश्चन फ्रॉम द 12th ग्रेड, बिकॉज नाउ द पोर्शन विच इज रिमेनिंग राइट नाउ इन दिस शुड नॉट टेक मोर देन 45 मिनट्स। इसमें जो चीज यहाँ पे आपकी रह गई है वो आपका 45 मिनट्स से ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे लेगा नहीं। जैसे आपका ऑपरेशन खत्म हो गया, देन वी ट्राई टू मेक अ काउंट ऑफ रिमेनिंग 45 मिनट्स एंड वी ट्राई टू सॉल्व अ लार्ज चंक ऑफ क्वेश्चन यहां से एंड फ्रॉम सम अदर चैप्टर ऑफ द 12th ग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सो एक बार ये चैप्टर आपका खत्म होता है, देन वी कैन स्टार्ट विद योर लाइक फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर विच विल बी योर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बाय द वे आई होप सबको मालूम है कि न्यूरल कंट्रोल में से आपका आई और ईयर आपका निकल चुका है, मालूम है ना ये बात आप सबको? Yes sir. That should be clear to all of you. So please very much be very clear with the kind of syllabus you will be getting. All right. अच्छा एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, आई होप सबको सिलेबस मालूम है हमारा अपकमिंग एमटी का 17। नो नो सर, नो सर, मालूम सर डेट भी नहीं पता। डेट भी नहीं पता, अरे कैसे चलेगा तो अनप्रीत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द टेस्ट विल बी ऑन 10th ऑफ नवंबर, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। ये पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आप में से कोई भी दिल्ली के पास मैं नहीं देता, हम आपको बुला लेते हैं ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए, बट दिस विल बी ऑन 10th ऑफ नवंबर, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सेकंड थिंग, सिलेबस में आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, सो आई विल बी शेयरिंग द सिलेबस अगेन सो दैट यू कैन स्टार्ट प्लानिंग बायोलॉजी के लिए कि तुम्हारा टैक्टिकल मूव वहाँ पे आपका क्या होगा। 12th में से कितना आ रहा है, 11th में से कितना आ रहा है, 11th में से कौन सा चैप्टर आ रहा है, सो यू कैन एक्चुअली प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, सो आई विल लेट यू नो दैट थिंग सेपरेटली। सवाल आपका नहीं है यहाँ पे, देन आई वुड सजेस्ट हैव अ स्मॉल ब्रेक, ईट समथिंग।